तो हम लोगों ने रॉकी भाई के फिक्शनल केजीएफ को तो देखा है, लेकिन अब हम देखने वाले हैं असली केजीएफ की कहानी थंगलान मूवी में, जिसका अभी ट्रेलर ड्रॉप किया गया है और जो देखने में काफी ज्यादा अच्छा है। मूवी की स्टोरी की बात करें तो ये मूवी सेट होने वाली है कर्नाटक के कोलार गोल्ड फील्ड और उसमें काम करने वाले ट्राइब के अराउंड, और इन्हीं ट्राइब के लोगों को हायर करेंगे ब्रिटिश शासक केजीएफ से सोना निकालने के लिए। लेकिन जहां पर ये पूरा सोना गड़ा हुआ है वहां पर उसकी प्रोटेक्शन करने के लिए एक बहुत ही पावरफुल एंटिटी है आरती। आरती के पास काफी सारी मिस्टिकल और सुपरनेचुरल पावर्स हैं, और हो सकता है कि मूवी में हमें दिखाया जाए कि जो पूरा केजीएफ है वो बहुत ही पवित्र और सीक्रेट प्लेस है, उसी की रक्षा करने का जिम्मा आरती के पास है। लेकिन लालची ब्रिटिशों को वहां का सोना चाहिए, इसीलिए वो ट्राइब के कई सारे लोगों को हायर करेंगे, जिसमें सबसे मेन होगा हमारे छियान विक्रम का करेक्टर। ट्रेलर देखकर ही समझ में आ रहा है कि मूवी में जो छियान विक्रम का करेक्टर होगा वो मूवी में एंटागनिस्ट होगा, ना कि प्रोटागनिस्ट। इस पूरी ट्रेलर में हम देखते हैं कि वो बहुत ही लालची है, बहुत ही जिद्दी है, और वो आरती के पीछे पड़ा हुआ है क्योंकि आरती उस केजीएफ की रक्षा कर रही है और वो उसे मारकर केजीएफ को हासिल करना चाहता है, ताकि वो लोग और ब्रिटिशर मिलकर वहां पर खुदाई कर सके और बहुत सारा सोना निकाल सके, और इसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकता है। हम लोग पूरे ट्रेलर में देखते हैं कि वो कितना ज्यादा खून खराबा मचा रहा है, और ट्रेलर देखकर हमें जितनी भी स्टोरी समझ में आई है वो देखकर तो काफी ज्यादा बढ़िया लग रही है। इवन ट्रेलर की सिनेमेटोग्राफी, एक्टर्स की एक्टिंग भी बहुत ही तगड़ी है। लेकिन दो चीजें जो इस ट्रेलर में मुझे उतनी खास पसंद नहीं आई वो है इस ट्रेलर की हिंदी डबिंग और इसका सीजीआई और बीएफएक्स। हिंदी की अगर बात करें तो हिंदी में जो छियान विक्रम की करेक्टर की आवाज है वो दी है संकेत मात्रे ने, जो कि नो डाउट बहुत ही तगड़े वॉइस एक्टर हैं। लेकिन इस थंगलान मूवी के ट्रेलर में उनकी आवाज विक्रम सर पर बिल्कुल भी नहीं जम रही है, और बाकी करेक्टर्स की भी हिंदी डबिंग ठीक ही ठाक है। अब अगर बीएफएक्स सीजीआई की बात करें तो वो भी ट्रेलर में ठीक ही ठाक लग रहा है। बहुत इजीली नोटिस हो जा रहा है कि कहां पर बीएफएक्स बहुत ज्यादा यूज हुआ है और कहां पर नहीं। लेकिन अगर इन दोनों चीजों को साइड में रखें तो बाकी चीजें इस पूरे ट्रेलर में बहुत ही ज्यादा बढ़िया है। इसकी सिनेमेटोग्राफी ले लो, एक्टर्स की एक्टिंग ले लो, म्यूजिक ले लो, सब कुछ बहुत ही तगड़ा है। पर्सनली पूरे ट्रेलर में मुझे वो वाला शॉट बहुत ही ज्यादा पसंद आया जिसमें पूरे सीन में बहुत ही सारे लोग खड़े हैं और छियान विक्रम का करेक्टर सामने खड़ा है और उसकी पूरी बॉडी पर सोना लगा हुआ है। इस पूरे सीन में हमें सिर्फ सोने का कलर दिख रहा है और बाकी सबका कलर ब्लैक एंड व्हाइट दिख रहा है, तो ये शॉट काफी ज्यादा बढ़िया लगा मुझे ट्रेलर में। अब ये जो पूरा ट्रेलर है मुझे पर्सनली काफी ज्यादा अच्छा लगा, लेकिन जो इसका पहला टीजर रिलीज किया गया था लगभग 7-8 महीने पहले, वो टीजर मुझे ट्रेलर से भी ज्यादा अच्छा लगा था, क्योंकि वो जो टीजर था वो बहुत ही ज्यादा रॉ था। लेकिन ओवरऑल जो टीजर है वो काफी ज्यादा अच्छा है। होप्स हो कि इसमें अभी जो थोड़ी बहुत कमी है वो इसके मेकर्स ठीक कर दें, जैसे कि हिंदी डबिंग और इसके बीएफएक्स सीजीआई वो मूवी रिलीज होने तक थोड़े और इंप्रूव हो जाएं। मूवी रिलीज होने वाली है 15 अगस्त को और उसी दिन रिलीज होगी स्त्री 2। तो इन दोनों की क्लैश में कौन बाजी मारेगा, तुम्हें क्या लगता है? मुझे अपने ओपिनियन कमेंट्स में जरूर बताओ। बाकी अब जाने से पहले वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। इसके अलावा मैंने कल की और मिर्जापुर की एंडिंग पर भी बहुत ही डिटेल में बात की है, तो इन वीडियोस को भी जरूर से चेकआउट कर लेना। बाकी हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए MT Explained।